पॉन फिल्म मामले में राज कुंद्रा को तो गिरफ्तारी के 2 महीने बाद मुंबई सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उनके बहनोई प्रदीप बख्शी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है क्योंकि वो लंदन में महफूज हैं। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक राज ने हॉटशॉट ऐप से हुई कमाई सीधे लंदन अपने बहनोई प्रदीप बख्शी के खाते में डलवाई थी। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने ऐप बनाने वाली कंपनी छोड़ी तो अपने निवेश के बदले में ऐप का सारा डेटा भी प्रदीप को ही दिलवाया था। यही नहीं, राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम कंपनी में निवेश किया, जल्द ही हॉटशॉट ऐप बनवाया और जब मतलब निकल गया तो 7 महीने बाद डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। अब आपको बताते हैं पुलिस चार्जशीट के केंद्र बिंदु क्या हैं। 5 फरवरी 2019 को राज आर्म्स प्राइम कंपनी में डायरेक्टर बना। जून 2019 में आर्म्स प्राइम कंपनी ने हॉटशॉट नाम से एक ऐप डेवलप किया। अगस्त 2019 में हॉटशॉट ऐप से कमाई शुरू हुई। 4 अक्टूबर 2019 को यूट्यूब ने हॉटशॉट पर पॉर्न कंटेंट के बारे में नोटिस भेजा। 26 नवंबर 2019 को राज ने आर्म्स प्राइम कंपनी का डायरेक्टर पद छोड़ दिया। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक राज और सौरभ कुशवाहा के बीच हॉटशॉट की लेन देन पर बात चली। जून 2020 में गूगल प्ले स्टोर से हॉटशॉट ऐप हटाया गया। नवंबर 2020 में एप्पल ने ऐप स्टोर से हॉटशॉट ऐप को हटाया। 3 फरवरी 2021 को पुलिस ने मड आइलैंड में छापा मारा और पॉन रैकेट का भंडाफोड़ किया। 19 जुलाई 2021 पॉन रैकेट में राज कुंद्रा गिरफ्तार हुआ। 20 सितंबर 2021 राज को मुंबई सेशन कोर्ट से जमानत मिली। राज कुंद्रा ने हॉटशॉट ऐप के जरिए 15 महीनों में कुल 1,36,83,701 रुपए की कमाई की, यानी हर महीने 9,12,246 रुपए की कमाई। ये सारा पैसा लंदन में प्रदीप बख्शी की कंपनी कैनरिन लिमिटेड के लोइड बैंक के खाते में डाली गई। राज ने 2 महीने जेल में काट लिए हैं, लेकिन प्रदीप बख्शी तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई।